दोस्तों, भारत में रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग सफ़र करने के लिए ट्रेनों पर भरोसा करते हैं। दिवाली और छठ के मिलने के साथ ही ट्रेनों में एक बार फिर से भारी भीड़ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके घर से कई सारा सामान लेकर अपने दफ्तर वाले शहर की ओर लौट रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे में कई सारे सामान ले जाने की मनाही होती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि त्योहारों के बाद अपने दफ्तर वाले शहर की ओर लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी भी दी है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशील सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ पैसेंजर की भी जान को खतरे में डाल सकते हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन के सफ़र के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ट्रेन में इन सामानों के साथ न करें यात्रा। दोस्तों, रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन में यात्रा करते वक्त विस्फोटक और ख़तरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से मनाही होती है। इसके साथ ही ट्रेन में किसोरेसिन, पेट्रोल जैसे जलने योग्य सामान भी ले जाने पर रोक लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टॉप जलाना भी मना है। बता दें कि पैसेंजर्स के लिए ट्रेन के कंपार्टमेंट और स्टेशन पर स्मोकिंग भी कानूनी अपराध होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन से सफ़र करने के दौरान जलने वाला सामान या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1979 के सेक्शन 164 और 165 के तहत ₹1,000 तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल दोनों हो सकता है। अगर आपको भी खुद को इस सज़ा से बचाना है तो भूलकर भी ये लापरवाही ना करें। दोस्तों, यदि आप भी इससे जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।